हेलो एवरीवन, तो तुम्हारे चार दिन कैसे गए? पढ़ाई कैसी चल रही है? नॉन प्रोडक्टिविटी हैक करके कैसा लग रहा है? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है? अभी सिर्फ चार दिन हुए दिए, अभी तो बहुत सारा दिन बचा हुआ है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी वो जो कंसिस्टेंसी होता है, वो रेगुलर एक डायरेक्शन में हथौड़ा मारने का जो पावर होता है ना, वो अलग ही फील हो रहा होता है। तो बताओ कैसा लग रहा है? एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में तुमको समझाती हूँ कि तेरा सिलेक्शन सिर्फ तेरी गारंटी है। दी गाइड कर सकती है, मम्मी पापा गाइड कर सकते हैं, प्रोफेसर टीचर्स गाइड कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि उस रास्ते पे तुझे अकेले खुद चलना पड़ेगा। वो रास्ते पे कोई नहीं चल सकता तेरे साथ। बता सकते हैं कि एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन जाने तक के लिए ये रास्ता है। यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये तो तेरा बिल्कुल फ्री विल है। और उतनी आग जब तक पैदा नहीं होगी ना कि काल दी फोड़ूंगा यार, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तब तक नहीं कर पाएगा बेटा। जिस दिन पैशन क्रिएट हो जाएगा ना, जिस दिन नींद से ज़्यादा तुझे पढ़ाई प्यारी लगेगी, जिस दिन चाय गर्म है कि ठंडा है ये बात से ज़्यादा इस बात का फर्क पड़े। कहा अभी दो घंटे का टारगेट है एंड आई हैव टू डू इट, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रेदर देन डूइंग इट, बिकॉज ये मेरा गोल है। और अब नहीं कर सकता यार, अब थक चुका, ये लेकर आपने अंदर। चलो बहुत हो गया, आई होप तुमको मैसेज मिल गया जो मैं तुमको दे जाती हूँ। डे फाइव में आज हमने पहले अभी तक मोर कॉन्सेप्ट खत्म किया, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और एक चीज़ जो मैंने पहले तुमको बताया था कि अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे बेटा, इट्स ओके इन एनी ऑफ द कंडीशन, यू डोंट नीड टू गिव स्ट्रेस टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गन। इस पर्टिकुलर ऑर्गन को स्ट्रेस नहीं देना है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, दो बार देख कर सॉल्व करो, दो बार क्वेश्चन रीड करो, आंसर शीट खोलो। अब समझो कि तुम एग्जामिनर हो, उस हिसाब से आंसर को रीड करो, दो बार देख कर सॉल्व करो, तीसरी बार बिना देखे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस यहाँ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री का सबलिमिनल लगा लो, वो भी तो तुमको प्रोवाइड कर दिया ताकि तुम्हारे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की जर्नी आसान हो सके। हमारे टाइम पे हमें कोई गाइड करने वाला था नहीं। चलो तो क्या बताना था कि केमिस्ट्री में कल हमने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, प्रॉपर चार दिन दिए अपने मोल कॉन्सेप्ट को। अब आज से हम शुरू करेंगे एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेक्चर, दैट इज सॉल्यूशन। तो आज आपको सॉल्यूशन का पार्ट वन करना है, मतलब दो घंटे का लेक्चर देखना है। दूसरा, हमने अभी तक बायो में एनिमल टिश्यू को अच्छा टाइम दे दिया है और आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एनिमल टिश्यू थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो आज आप एनिमल टिश्यू पूरा कंप्लीट करो लेक्चर, और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आप उसको चेक कंप्लीट करो। फिर अब फिजिक्स की बात करें, हमने बेसिक मैथ्स कर लिया, हमने वेक्टर कर लिया जो कि बहुत बेसिक चैप्टर्स थे और बहुत मैंडेटरी चैप्टर्स थे हमारे नीट के एग्जाम के लिए। अब हम आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन पर। एरर याद होना चाहिए तुमको, एरर वाला क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। कोशिश करूंगी कि मैं तुमको एरर वाला जो क्वेश्चन है जैसे मैंने सीखा था आड़े टेढ़े तरीके से तुमको मैं सिखा सकूँ, गलत नहीं होगा उससे तुम्हारा क्वेश्चन अश्योर कर सकती हूँ। पर अभी टाइम है, अभी तुम खुद से पढ़ो डिटेल लेक्चर देखकर, पर एरर अच्छे से तुमको आना चाहिए, ठीक है? तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर तुम केमिस्ट्री कर रहे हो सॉल्यूशन का लेक्चर देखोगे, एनिमल टिश्यू में आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर थोड़ा बहुत लेक्चर बचा है कंप्लीट इट आउट, और फॉर फिजिक्स कंप्लीट यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट नहीं करना है, हमको बस लेक्चर देखना है। जितना बड़ा लेक्चर है आप लेक्चर कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आता है, ये चैप्टर आता है, इसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और हर एक लेक्चर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता जा रही हूँ कि अगर मैंने आपको कोई भी टारगेट दिया है तो अगले दिन का टारगेट से पहले आपको उस दिन का टारगेट रिवाइज करके आगे बढ़ना है। अगर मैंने मोर कॉन्सेप्ट का लेक्चर 4 दिया था तो आपको पहले मोर कॉन्सेप्ट जो 3 आपने लेक्चर देखा था ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ वो पेजेस पलटा लो बेटा, सिर्फ एक बार वो पेजेस की तरफ देख लो कि कहा दीदी हाँ मुझे बेसिक तो आइडिया है कि मैंने क्या करके रखा, ठीक है? और जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है उनके लिए एक चीज़ ये है कि अभी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर ज़्यादा बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं तो जो बच्चे इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वो करेंगे, आपको जो टारगेट्स हैं वो उस हिसाब से दे दिए जाएंगे, लेकिन अभी उसके चांसेस कम है। तो आप अभी ये कर सकते हो कि जो हमारा ये जो टारगेट है डे 5 का, आप इसके साथ कंप्लीट करना स्टार्ट करो, और फिर जब आगे होगा ये जो 4-5 दिन आपका जो बैकलॉग बनेगा वो आगे जब फेस्टिवल्स होंगे आपको उसके लिए अलग से टाइम दे दिया जाएगा, या जो ये बच्चे हैं इनको 2-3 दिन का रिवीजन का ब्रेक दिया जाएगा और आप उस 2-3 दिन में ये जो टारगेट्स है कंप्लीट करोगे। अब आते हैं हमारे नॉन को करिकुलर एक्टिविटी के हैक में। आपको क्या करना है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज़ आप अपना राइट नॉस्टल करेंगे क्लोज, अच्छे से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्टल से आप एकदम धीरे धीरे सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आपको सिर्फ 6 बार करना है। राइट नॉस्टल से स्टार्ट करेंगे,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ही खत्म करोगे, दैट इज चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है, इट विल काम योर नर्वस सिस्टम डाउन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, कामनेस देगा, एंजाइटी का जो तुम्हारा स्ट्रेस एंजाइटी उसको ट्रिगर को थोड़ा कम करेगा, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। तो आपको 6 times कभी भी दिन में आपको नाक बंद करना है और डीप ब्रेथ लेना है और डीप ब्रेथ छोड़ना है फॉर द नेक्स्ट 6 times। ठीक है, ये करके देखना एंड टेल मी कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। एट द एंड तेरा सिलेक्शन सिर्फ तेरी गारंटी बेटा, पढ़ ले यार, पढ़ ले, क्योंकि ना जो एंड होता है जब हमारे हिसाब से नहीं होता ना, वो बहुत पेनफुल होता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे रियलाइज होता है कि यार इसको झेलने से बढ़िया ना मैंने पढ़ लिया होता, पर तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, बिकॉज टाइम से ज़्यादा तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड आई होप तू ये टारगेट कंप्लीट कर रहा है, कमेंट में बताना। एंड कैसा लगा तुम्हें टारगेट्स कंप्लीट करके, कुछ डाउट है, कुछ इशू है, आप वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।